ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਗਕੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 6 ਸਾਲੋਂ ਜੇਸੀ ਮੈਰिज ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾ ਰੋਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ 5 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕ ਯੂ दिस वॉज़ मिसिज़ लवप्रीत कौर जिन्होंने आज से साढ़े तीन से चार साल पहले शी कंटेक्टेड अस बिको एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी और सिक्स ईयर्स उनके मैरिज को तब हो चुके थे एंड देर वॉज नो ईशू कोई बेबी नहीं था उनके पास एंड uh, हमारे से उन्होंने ऑलमोस्ट फोर टू फाइव मंथ्स की मेडिसिन ली थी और जो इशूज अभी वो हमारे पास क्यों आई हैं बिकॉज उनको सेकेंड चाइल्ड चाहिए दैट्स वाई शी हैज़ कम हेयर मोस्टली मैं अपने जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको बोलती हूँ अगर फर्स्ट टाइम आपने हमसे कंसीव किया है एंड यू वॉन्ट टू कम्प्लीट योर फैमिली सेकेंड चाइल्ड के लिए भी प्लान करें तो आप अगर आपने एक बार ट्रीटमेंट लिया है तो आप जल्दी से जल्दी सेकेंड बेबी का भी प्लान कीजिए बट इनके केस में थ्री एंड हाफ ईयर्स का इन्होंने गैप ले लिया है एंड अभी हमने इनकी रिपोर्ट्स कराई है, हैं रिसेंट रिपोर्ट्स जैसे आएंगे हम देखेंगे कि कहाँ पर क्या इश्यूज हैं तो जब ये पहले हमारे पास विजिट किया था तब इनके इश्यूज़ क्या थे देयर वॉज़ पी सी ओ एस इनके ओवरीज uh, जो थे अच्छे फॉलिकल्स नहीं बना रहे थे ओवोलेशन नहीं हो रही थी एवरी मंथ फॉलिकल बनता था बढ़ता था 22 टू एम एम ट्वेंटी इस तरह से करके इट गॉट कन्वर्टेड इन टू अ सिस्ट तो इनको पी के इशूज़ थे पीरियड्स डिलेड रहते थे साथ के साथ जब हमने इनकी एच की रिपोर्ट करवाई थी ट्यूबल पेटेंसी का टेस्ट करवाया था तो वहाँ पर हमें हाइड्रो बायोलेट्रल हाइड्रोसाल्पिंग्स जो था वो निकल के आया था दैट वाज अ ट्यूबल ब्लॉकेज तो ये ऐसा केस था जहाँ पर ट्यूब्स जो थी दोनों साइड पे बाइलेट्रल ट्यूबल ब्लॉकेज का इशू था नॉर्मली जो ट्यूबल ब्लॉकेज है उसमें भी मल्टीपल कॉजेज होते हैं कई बार इन्फेक्शन के कारण होता है कई बार इंफ्लामेशन बहुत देर तक रहती है उसके कारण हो जाता है कई बार एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स डिपॉजिट हो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में उसके कारण ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लॉकेज के भी अलग अलग रीजनस होते हैं तो उन रीजन को उन्हीं के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है वही हर्ब्स के साथ ट्रीट करना होता है सेम मेडिसिन सेम ट्यूबल ब्लॉकेज की एक तरह की मेडिसिन वो सबको असर कर जाए ऐसा नहीं होता है तो इनके केस में हमने इनके दो चीज़ों पे मोस्टली फोकस हमारा रहा था दैट वाज हर बाइोलेट्रल हाइड्रोसाल्पिंगस जो था उसके ट्रीटमेंट के लिए ऐसे ऐसे हर्ब्स थे जिसके साथ ड्राइंग ड्राइंग अप ऑफ दैट वाटर इनसाइड द ट्यूब वो uh, ऐसे हर्ब्स होते हैं जो इस चीज़ पे इफेक्ट करते हैं देन उसकी लाइनिंग को अच्छा करते हैं जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ एलोपिन ट्यूब होती है उसकी लाइनिंग जितनी अच्छी हो उतने ही अच्छे से उसमें फॉलिकल जो है इजीली पास होता है देन इनके फॉलिकल्स जो थे अच्छे से फॉल आ, बढ़ तो रहे थे लेकिन फट नहीं रहे थे ओबुलेश ओबुलेट नहीं कर रहे थे तो उसको भी हमने अच्छे से फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स देन ओबुलेटरी हर्ब्स बहुत तरह के हर्ब्स के मिक्सचर्स के साथ वो भी रिस्टोर करवाया अलॉन्ग विद डैट कुछ डाइट कुछ योगा कुछ मसाज मसाज सेल्फ मसाजिंग होती है सेल्फ मसाजिंग टेक्निक्स होती हैं जो दोषास को बैलेंस करती हैं क्योंकि इनके केस में भी मल्टीपल दोशाज़ जैसे थ्री दोशज जो थे वो uh, समावस्था में नहीं थे तो उनको भी उनको हमने इक्वलाइज या नॉर्मलाइज़ किया आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट मच टेक्निकलिटीज़ बट उसके साथ साथ हमने इनको गाइड किया कि अभी आपको आफ्टर प्रेगनेंसी uh, भी यू हैव टू फॉलो द सेम लाइफ ताकि फिर से ये पी या इस तरह की इशूज़ जो नहीं हो, हो पाएँ तो एंड जल्दी से जल्दी नेक्स्ट कंसेप्शन भी कीजिए फॉर कम्प्लीट प्रेगनेंसी नाउ शी हैज़ कम एंड अप्रोच टस्क फॉर हर सेकेंड प्रेगनेंसी एंड उनके जो टेस्ट हैं हम लोगों ने uh, करवाए हैं लेट्स सी कि अभी टेस्ट में कैसा क्या रिजल्ट आता है उसी के अकॉर्डिंगली उनकी फिर से ट्रीटमेंट होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग